दोस्तों काफी बड़ी न्यूज आ रही है आधार कार्ड को लेकर। दूर संचार कंपनियां अब आधार के बायोमेट्रिक्स के जरिए मोबाइल ग्राहकों का सत्यापन नहीं कर पाएंगी। दूर संचार विभाग ने सभी कंपनियों को इस प्रक्रिया को बंद करने को 5 नवंबर तक का समय दिया था। कंपनियों ने समय बढ़ाने की मांग की थी जिसे विभाग ने ठुकरा दिया है। अब उन्हें डिजिटल तरीके और विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा बिना बायोमेट्रिक्स के QR कोड और इनक्रिप्टेड आधार फाइल से सत्यापन करना होगा। दूर संचार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दूर संचार कंपनियों की ओर से आधार बायोमेट्रिक के प्रयोग से सिम मुहैया कराने की अवधि को 15 दिन बढ़ाने को कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर विभाग इस तिथि को बढ़ाने को राजी नहीं हुआ। विभाग ने कंपनियों को अन्य विकल्पों से ग्राहकों का सत्यापन करने को कहा है। ऐसे में आधार बायोमेट्रिक्स का प्रयोग दूर संचार कंपनियां आज के बाद नहीं करेंगी। फिलहाल कंपनियां पुराने तरीके से दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड जारी करेंगी, जबकि आने वाले दिनों में डिजिटल तरीके से सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका ट्रायल सफल रहा है, जबकि UIDAI द्वारा दिए गए विकल्प भी जल्द शुरू किए जाएंगे। तो दोस्तों काफी बड़ी न्यूज निकल कर आई है आधार कार्ड को लेकर। अब जो है आपको सिम आधार कार्ड के जरिए नहीं मिलेगा, जिससे कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि अब आपका सिम फौरन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए सिम स्टार्ट होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। और दोस्तों अब आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी राय बताइए, सरकार का ये कदम आपको कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उन लोगों को भी इस नई अपडेट के बारे में पता चल सके। और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबा लीजिए। और दबा लेने के बाद एक बेल का आइकॉन आ जाएगा, आप उसको भी दबा लीजिए, ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।